बालोतरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को जनजागृति ग्रामीण विकास एवं शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह व अन्य अतिथियों ने बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि और मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। बालोतरा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। बालोतरा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को जनजागृति ग्रामीण विकास एवं शिक्षण सेवा संस्थान द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने बालिकाओं को शॉल व माला पहनाकर प्रोत्साहन राशि भेंट की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह ने बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद करने पर संस्थान की सराहना करते हुए बालिकाओं से कहा कि प्रशासनिक व तकनीकी सेवा में जाने के लिए मेहनत त्याग निष्ठा को अपनाना एवं इससे संबंधित पठन सामग्री का पूरा अध्ययन करना एवं अपने विषय की अच्छी पहचान करनी होगी। संस्थान के सचिव भंवरलाल राणावत एवं जगदीश व्यास ने लोगों से बालिकाओं को सहयोग की अपील करते हुए बालिकाओं को 1100 रुपये और ओम प्रकाश खांची ने 2500 की सहयोग राशि भेंट की। बालिका कोमल सोली ने कहा कि मैं तकनीकी क्षेत्र में इंजीनियर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करूँगी। बालिका रक्षा प्रजापत ने कहा कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत लग्न को प्रदर्शित कर उसे प्राप्त करूँगी। इस दौरान सब्जी मंडी के अध्यक्ष गणपत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि संस्थान के प्रोत्साहन कार्यक्रम को तन मन धन से आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग करेंगे। इस अवसर पर रामकुमार सोनी, साधना देवी, लाल कृष्ण, शारदा देवी आदि उपस्थित रहे। संस्थान सचिव ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह को COVID-19 जागरूकता पोस्टर व मास्क वितरित किए। मानवाधिकार काउंसिल के सुशील गोठी ने संस्थान का आभार जताते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।